Assalamualaikum dear students, welcome back to short questions and answer video number 2. आज का जो हमारा question है वो ये है कि हम this PC का जो icon हमें desktop पर नज़र नहीं आ रहा होता उसको कैसे हम Windows 11 या फिर इसमें आप कह सकते हैं कि Windows 10 या Windows 11 में आप किस तरह this PC का icon जो है अपने desktop पर लेके आ सकते हैं। तो चलते हैं हम computer की तरफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी दिस पीसी का आइकन जो है हमें नज़र नहीं आ रहा। तो इसका प्रोसीजर सिंपल सा है, आपने क्या करना है, आपने राइट क्लिक करना है, उसके बाद अपने पर्सनलाइज में चला जाना है। पर्सनलाइज के बाद ये विंडो ओपन होगी और उसके बाद आपने थीम्स पर क्लिक करना है। थीम्स पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो दाएँ तरफ आपको नज़र आ रहा होगा डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स। विंडोज़ 10 में थोड़ी बहुत इसमें चेंजेस आ सकती हैं, मे बी ऑप्शन इधर उधर ऊपर नीचे कहीं हो, तो आपने जाना थीम्स में ही है। तो आप डेस्कटॉप आइकन सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन्स नज़र आ रहे हैं। आपने कंप्यूटर पर क्लिक करना है और उसके बाद ये वाली ऑप्शन जो है इनेबल होनी चाहिए और आपने अप्लाई कर देना है और उसके बाद ओके कर देना है। इसके बाद हम इस स्क्रीन को बंद कर देते हैं और आप देख सकते हैं कि दिस पीसी का आइकन जो है हमें डेस्कटॉप पर नज़र आ गया। तो इस तरह हम दिस पीसी के आइकन को जो है इनेबल कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप पर। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।